और खबर सिमडेगा से, यहां पर पति ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद में चाकू मारकर हत्या की इस घटना को अंजाम दिया है। बानो थाना क्षेत्र के रामजुल गांव की यह घटना है। यह शराब के नशे में घर आने पर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया, तो नशे की हालत में विवाद शुरू हुआ, नशा करने के लिए विवाद शुरू हुआ और नशे की हालत में जो शराबी पति था उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। चाकू से मारकर उसने अपनी पत्नी की जान ले ली और अब पुलिस की गिरफ्त में है ये शख्स। और इसलिए बार बार लोगों से कहा जाता है कि देखिए अब आपको पछताना पड़ेगा, अब आप पछताएंगे, लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने नशे में वो काम कर दिखाया, आपने नशे की हालत में अपने हमसफर का कत्ल कर दिया, तो सोचिए नशा आपके लिए महत्वपूर्ण है या आपका हमसफर, आपका परिवार, लेकिन नशे कि जो लोग हैं नशा जो करते हैं वो शायद उनके दिमाग से तमाम चीजें उतर जाती हैं। और इसीलिए नशे से दूर रहने के लिए बार बार अपील की जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन लोग मानने वाले नहीं। एक बार जहां लत लगी नहीं कि वो इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। ग्राम रामजोल में बीते रात्रि 4-5-21 की रात्रि करीब 7:30 बजे आपसी घरेलू विवाद के कारण एक हत्या की घटना हुई है। जैसे अभी तक पता चला है कि पति ही अपनी पत्नी को घरेलू विवाद के कारण उसकी हत्या कर दिया है। अभी अनुसंधान चल रहा है, अभियुक्त पति को गिरफ्तार